हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल बताया था कि फबियानो क्रुआना की एक मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जहां उन्होंने बैक टू बैक सेवन सात गेम खेली थी, लेकिन मैं उन सात गेम को कवर नहीं करने वाला। जस्ट सिंकफील्ड की जितनी भी गेम्स हैं उनको मैं कवर कर रहा हूँ जो उन्होंने बैक टू बैक जीती थी। तो उसी सीरीज में सिंकफील्ड कप 2014 के सेकेंड राउंड में फबियानो क्रुआना का मुकाबला था मैक्सिम वाइशर लेग्रेव से। और फ्रेंड्स, मार्वलस गेम मैं कह सकता हूँ यहाँ इसको। तो चलिए गेम को करते हैं शुरू। e4 के साथ फाबी ने शुरू किया था, c5 कारुकान डिफेंस यहाँ एमबीएल ने खेला, देन हुआ d4 d5 एडवांस वेरिएशन फाबी ने किया ई पॉन को आगे पुश करके, बिशप f5 देन नाइट f3 e6, तो बिशप गया e2 स्क्वायर पर, दैट्स ओके। c5 देन बिशप e3, थोड़ा अनयूजुअल मूव है, क्वीन b6। और फ्रेंड्स, क्या कमाल की गेम यहां से रहने वाली है। इस तरह के वेरिएशन हम लोग बहुत खेल चुके होंगे, लेकिन ये गजब की गेम है। नाइट c3, नाइट c6, देन कैसल बाय ब्लैक, क्वीन टेक्स b2, ओके। यहां डायरेक्टली इस नाइट पर अटैक। और फ्रेंड्स, गेम में अगर आप यहां देख सकते हो तो बहुत गजब की गेम होने वाली है। क्वीन गई e2 स्क्वायर पर, देन c takes d4, और अगर यहाँ व्हाइट को अपने इस e5 पॉन को बचाना है तो बिशप टेक्स d4 करना ही पड़ेगा। फाबी ने वही किया, नाइट टेक्स d4, नाइट टेक्स d4, बिशप पर अटैक बना, सॉरी बिशप b4 यहाँ इस नाइट को पिन किया। और फ्रेंड्स, यही वो कारण था जो मैं कह रहा था कि बहुत गजब की गेम ये रहने वाली है। वेल, नाइट एट बी गोज टू d7। ब्लैक कभी भी यहां अपने इस ए पॉन को आगे पुश करके नाइट को रिमूव करवा देगा अपने इस दूसरे नाइट की डिफेंस से। नाइट के ऊपर नाइट लगाना बहुत खतरनाक होता है बहुत बार, लेकिन फिलहाल व्हाइट यहां थ्रेट दे रहा है चेक देने के बाद रुक को भी लेने की। वेल, बिशप a5 यहां ब्लैक ने पहले किया, तो रुक गया b1 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, और c2 पॉन से यहां फाबी को हाथ धोना पड़ा। रुक c1, दोबारा क्वीन पर अटैक, तो क्वीन गई b2 स्क्वायर पर। क्या फ्रेंड्स, यहां इस पॉइंट पर बिशप टेक c3 कर नहीं देना चाहिए था? नाइट टेक c3 होता, कुछ इस तरह की गेम यहाँ खेली जा सकती थी। वेल, देखते हैं गेम में एक्चुअल में क्या हुआ था। यहां हुआ था क्वीन b2, देन हुआ g4। फ्रेंड्स, जिस तरह का प्रेशर यहाँ व्हाइट के ऊपर बना हुआ है, ऑलरेडी यहाँ ये नाइट पिन है, और जैसे ही ये ए पॉन आगे पुश होगा बहुत प्रॉब्लम सी में यहाँ व्हाइट हो सकता है। तो आई थिंक पिछले मूव पर जब ये फाबी ने अपने जी पॉन को आगे पुश किया है, उसी पॉइंट पर शायद ये नाइट a4 स्क्वायर पर जाकर क्वीन पर अटैक बना सकता था और क्वीन को खुशी खुशी एक्सचेंज किया जा सकता था। वेल, बिशप पर अटैक था तो बिशप गया g6 स्क्वायर पर, देन हुआ f4। और फ्रेंड्स, ये अगर कैलकुलेशन थोड़ा समझना थोड़ा सा ट्रिकी है। आप यहां देखिए कि आखिर व्हाइट का गेम प्लान क्या है। इस एफ पॉन को आगे पुश करने का, पॉन एक्सचेंज होंगे, बिशप होगा, रुक पर अटैक बनेगा, और ऊपर से नाइट यहाँ एक चेक देने के बाद यहाँ इस f5 स्क्वायर तक अटैक भी बना रहा है। तो क्या नाइट e7 नहीं कर देना चाहिए था? नहीं, क्योंकि f5 ऑब्वियस है, e takes f5, नाइट d6 चेक, किंग f8 स्क्वायर पर, g takes f5, दोबारा बिशप पर अटैक बनेगा, नाइट takes f5, नाइट takes f5, दैट्स इट। लेकिन ओपन पोजीशन हो चुकी होगी पूरी तरह से यहां पर व्हाइट की। गेम में ऐसा नहीं हुआ था कुछ भी, गेम में यहां हुआ था बिशप e4। यहां एमवीएल ने अपने बिशप को बहुत डेडली स्क्वायर पर लाकर प्लेस कर दिया है। बिशप कह सकते हैं पिन हो चुका, नॉट एग्जैक्टली। रुक यहां फाबी ने f2 स्क्वायर पर प्लेस किया। और फ्रेंड्स, आखिर रुक के f2 स्क्वायर पर आने से क्या हुआ है? अब अगर मैं कुछ मूव्स कंसिडर करता हूँ ब्लैक के लिए, जस्ट कैलकुलेशन को यहां समझाने के लिए, कि अगर मान लेते हैं नाइट e7 के ऑप्शन को अब एमवीएल कंसिडर करते हैं, तो नाइट c7 चेक जैसा कोई मूव यहां पर पहले व्हाइट चल सकता है और डिस्कवर्ड अटैक का खतरा आप यहां देख ही सकते हैं। चलिए, अगर यहाँ बिशप टेक c7 हो भी गया, देन बिशप b5 चेक, और यहाँ क्वीन गंवानी होगी एमवीएल को अपनी, जस्ट सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए। तो क्या ऑप्शन कंसिडर की जा सकती थी? यहाँ एक ही मूव मुझे नजर आता है कि सबसे पहले अपने ऊपर आए हुए खतरे को नजरअंदाज ना किया जाए। किंग को मूव कर लेने चाहिए था यहाँ पर ब्लैक को, लेकिन ब्लैक ने यहाँ नाइट को h6 स्क्वायर पर रखा। वीकनेस है इस मूव में। नाइट c7 चेक ठीक है, अभी भी मूव किया जा सकता है, लेकिन किंग मूव हो जाएगा अब, क्योंकि है स्क्वायर ब्लैक के किंग के पास। वेल, यहां हुआ था बिशप d3, और डिस्कवर्ड अटैक तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी क्वीन पर अटैक तो बन ही गया है।
अब यहां क्या किया जा सकता है, बिशप रुक को ही पिन कर दिया जाए, ठीक है आप क्वीन ले ही नहीं सकते, एक ऑप्शन ये भी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर यहां से ये गेम आगे बढ़ती तो नाइट टेक सी ब्रिदर मिल चुका होगा यहां पर थोड़ा सा फाबी को, डी टेक सी फोर होने के बाद होगा रुक एट सी गोज टू सी टू, पहले क्वीन पर अटैक बनेगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए तो क्वीन बची जाए, तो सॉरी नॉट एग्जैक्टली क्वीन पर अटैक होगा, ये तो क्वीन ट्रैप हो गई फ्रेंड्स, मैं तो देख ही नहीं पाया इस बात को कि यस, और नाइट ने यहाँ ये दोनों स्क्वायर कवर किए होंगे, काफी डेंजरस मूव है। तो चलिए यहां हुआ था क्वीन बी फोर, दैट्स ओके, और अगर यहाँ नाइट अभी भी पिन है, नाइट का पिन प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहा है, रुक गया बी वन स्क्वायर पर, क्वीन पर दोबारा अटैक बना तो क्वीन गई सी फाइव स्क्वायर पर, नाइट टेक्स ई फोर, फाइनली ये काम, यहाँ फाबी ने कर दिया क्वीन एक्सचेंज ऑफर है और जिसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, अदरवाइज यहाँ गंवानी पड़ जाएगी अपने एक पूरा पीस यहाँ पर एमवीएल को, खैर गवाना तो भी पड़ेगा, बिशप टेक सी वन से भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है, नाइट टेक सी फाइव होगा, बिशप टेक एफ टू चेक होगा, किंग टेक एफ टू हो जाएगा, और अब आप यहाँ कैलकुलेशन कर ले क्योंकि ये नाइट यहाँ इस बिशप को एक्स्ट्रा ले चुका है, तो एक दो तीन चार और तीन पीसेज यहाँ पर ब्लैक के पास होंगे, लेकिन लॉस थोड़ा कम होगा, पर यहाँ हुआ था डी टेक सी, देन क्वीन टेक्स ए फाइव, ई टेक्स डी थ्री, ठीक था मेटल एक्शंस बिल्कुल इक्वल रहता और पॉन को आगे पुश किया जा सकता था आई मस्ट से, लेकिन हाँ यहाँ चेक की थ्रेट अभी भी जारी है, ये थ्रेट बहुत डेंजरस है, और इनफैक्ट चेक दे इस चेक के बाद तो यहाँ बल्कि क्वीन भी गंवानी पड़ सकती है। चलिए लास्ट में चलते हैं, यहाँ अब कहीं जाकर एमवीएल ने कैसल किया, काफी देर के बाद बिशप गया ई टू स्क्वायर पर, इतनी देर में बिशप को बचा लिया गया है, देन हुआ ई थ्री रुक पर अटैक, रुक बच गया एफ वन स्क्वायर पर, रुक अटैक गोज टू सी एट, देन क्वीन गई ई वन स्क्वायर पर, क्वीन डी फाइव, देन बिशप एफ थ्री की ऑप्शन मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, यहाँ आप देखिए तो क्वीन और उसके बाद बहुत अच्छा अटैक बनता है और मेरे ख्याल से ब्लैक जीत ही जाता शायद इस गेम को, लेकिन रुक को बी टू स्क्वायर पर पहले यहाँ फाबी ने लिया, देन हुआ एफ सिक्स, क्वीन गई जी थ्री स्क्वायर पर, अपने ई फाइव स्क्वायर पर ज्यादा मजबूत डिफेंस रखने के लिए गया, एफ टेक्स ई फाइव, एफ टेक्स ई फाइव, देन रुक एफ एट स्क्वायर पर, और अब मेरे ख्याल से मेटल एक्शंस भी अगर फाबी यहाँ करते चलेंगे तो गेम उनके लिए बहुत अच्छी हो चुकी होगी, रुक टेक्स एफ एट वही उन्होंने यहाँ किया विद चेक, रुक टेक्स एफ एट, देन क्वीन टेक्स ई थ्री, नाइट एफ सेवन स्क्वायर पर, और फाइनल मूव फाबियानो ने यहां चला नाइट सी थ्री, और यहां इस मूव के बाद दैट्स इनफ, एमवीएल ने रिजाइन कर दिया, आप यहां देखिए रिजाइनेशन की वजह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा एक बिशप यहाँ व्हाइट के पास एक्स्ट्रा है, पॉन्स की बात करते हैं, तीन दो पांच पॉन्स हैं और चार पॉन्स यहाँ पर व्हाइट के पास है, लेकिन कितनी देर तक, अगर मान लेते हैं यहां से ये गेम आगे बढ़ती हुई क्वीन टेक सी फाइव जैसी कि ऑप्शन अगर यहाँ कंसिडर भी की जाए ब्लैक के द्वारा, तो क्वीन टेक सी फाइव, नाइट टेक सी फाइव, रुक टेक्स बी सेवन, दैट्स इट, पॉन्स को हाँ एक पॉन पासर के रूप में होगा लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, गजब का मूव था, गजब की गेम थी, लास्ट मूव तो से बहुत पहले यहाँ एमबीएल इस गेम में काफी वीक पड़ चुके थे, तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये गेम भी पसंद आई होगी, मेरी प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगी होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें शेयर भी करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर